أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 7 है permutation, combination and probability. आज इसका बहुत important topic हम discuss करने जा रहे हैं. इससे पहले मैं कहूँ कि इनको सीख सके, इनको फायदा हो जाए. स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एन एंड आर. एन और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है, एन पी आर और एन सी आर दोनों फार्मूला अप्लाई होंगे. एन सी आर का जो वैल्यू हमें दी हुई है 35 है, पहला पार्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का. और एन पी आर हमें दिया हुआ है 210. तो सबसे पहले NCR की वैल्यू में 35 गिवन है, तो NCR का फॉर्मूला ये आपके सामने. NCR को इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं. NCR को लिखने के दो मेथड हैं. NPR को लिखने का एक ही तरीका है, NPR ही लिखते हैं. NCR को ये दो तरीकों से लिखते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल. NPR में और NCR में फर्क आपको नजर आ रहा है कि n फैक्टोरियल दोनों में मौजूद है, n माइनस r फैक्टोरियल भी दोनों में मौजूद है. सिर्फ r फैक्टोरियल यहाँ मौजूद है और इस फॉर्मूले में मौजूद नहीं है. तो फॉर्मूला ये पेपर में मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइट करके बता दिया. NCR का फॉर्मूला भी बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. या सिंपल अल्फाज में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे में जो वैल्यू इसमें से माइनस करके फैक्टोरियल लगा लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी फैक्टोरियल लगाएंगे और नीचे वाली फैक्टोरियल नीचे वाली वैल्यू के साथ भी फैक्टोरियल लगाएंगे. एन सी आर का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया आपकी जुबान में भी, और फॉर्मूला जो वैसे भी उसको समझा दिया. अब यहाँ पे देखें, आर फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, और n माइनस आर फैक्टोरियल भी इस तरफ लेफ्ट साइड पे डिवाइड होता है, राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा 35 के साथ. यानी कि r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों डिवाइड हो रहे थे, वो 35 के साथ आके क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ जाती है. अब आप देखें क्वेश्चन में एन पी आर की वैल्यू 210 दी हुई है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. एन पी आर हमारे पास गिवन है 210 के इक्वल, और एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करके हमने फैक्टोरियल लगाना होता है. एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवीजन में 210 हमने एज इट इज लिख दिया. एन माइनस आर फैक्टोरियल जो कि साइड पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आके 210 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड एन फैक्टोरियल, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे लेफ्ट साइड पे एन फैक्टोरियल है. लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज को हमने आपस में डिवाइड कर देना, एन फैक्टोरियल और ये एन फैक्टोरियल दोनों आपस में डिवाइड हो गए हैं. अब राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं देख सकते हैं, एन सॉरी 35 इंटू आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैंने डिवाइड कर दी किस वैल्यू पे, 210 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल पे, क्योंकि 210 बड़ी वैल्यू थी तो उसको इसलिए मैंने ऊपर लिखा 35 इंटू आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, छोटी वैल्यू थी इसलिए मैंने वो नीचे लिखी है. एन फैक्टोरियल साहब आपस में कट हो जाएगा, 1 बच जाएगा. अब बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल भी आपस में बल्कि कट हो रहा है, 35 1 35 होते हैं, और 35 को 6 से अगर करते हैं तो 210 हो जाएगा. 35 6 सर 210 होते हैं, तो आपके पास एक तो एन माइनस आर फैक्टोरियल कट गए थे, एन फैक्टोरियल भी कट गया था. 35 के टेबल में 6 टाइम्स 210 होता है, और आर फैक्टोरियल आप ये देखने बच जाएगा. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, ये दोनों कट जाएंगी, आर फैक्टोरियल साथ आपके पास आ जाएगा.
35, 6 और 2, 10 होते हैं। मैंने दो तीन दफा ये बात आपको समझा दी है। अब आर फैक्टोरियल 1 के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो आर फैक्टोरियल हो गया 6 के इक्वल। 6 जो होता है वो 3 का फैक्टोरियल होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, 3 का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर देख लें इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाता है। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 की जगह पे हमने 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। ये क्यों लिखा ये भी आपको बता देता हूँ, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कंपेयर करने के लिए। तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल के साथ कंपेयर हो गया, आर की वैल्यू 3 आ गई। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमने एन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर या इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एन की वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में आर की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ। एन फैक्टोरियल आपने एज इट इज लिख दिया, 2 10 भी एज इट इज लिख दिया, सेंटर में इक्वल का साइन था, एन माइनस आर था, तो आर की जगह आपने 3 अगर लिखना है तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे एन फैक्टोरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस का मतलब है कम करना, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 तक। अब हम यहाँ पे, ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था, वो चीज एक्सप्लेन आपके सामने हुई है, वही चीज है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, एन को एक रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसमें से एक वैल्यू माइनस कर दें एन माइनस 1, एन माइनस 1 से एक वैल्यू और माइनस कर दें एन माइनस 2, एन माइनस 2 में से एक और वैल्यू माइनस कर दें एन माइनस 3। साफ नजर आ रहा है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डिक्रीज होता जा रहा है। एन एन माइनस 3 तक इसको डिक्रीज क्यों किया, ताकि एन माइनस 3 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाए। आपके पास एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 210। अब 210 को हम 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप ये देखें एन की वैल्यू 7 आ जाती है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, एन माइनस 1 को 6 की इक्वल कर लें, ठीक है, इस तरह भी आ जाएगा। तो ये माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 तब भी एन की वैल्यू 7 ही आपके पास आ जाती है। एक और चीज बता देता हूँ, एन माइनस 2 को अगर हम 5 की इक्वल करते हैं, ठीक है, चलें यू करके देख लेते हैं। तो माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 तब भी एन की वैल्यू 7 ही आएगी। तो हमने 210 को ऐसे देखना है, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तब भी वो भी चीज देख लें। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 210 होता है, एन की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। एन और आर दोनों आपने फाइंड कर लिए, ये हमारा टारगेट था।